हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। और अगर आप 12वीं पास करके कनाडा आना चाहते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, तो इस वीडियो में अगले 1 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप ना करें और कौन से ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर ऑनटेरियो और बीसी, यानी टोरंटो और वैंकूवर छोड़ के आप कहाँ जा सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो गाइज, बहुत सारे कैनेडियन स्टूडेंट्स, कैनेडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, ऑफ लेट मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने बैक होम सिर्फ 12वीं करी है, यानी 12th पास हैं, और वो यहाँ पे आके अपने कैनेडियन पीआर और आगे के रूट को लेके बड़े परेशान रहते हैं। तो अक्सर उनके साथ क्या होता है कि वो लोग ब्रैम्पटन यानी टोरंटो चुन लेते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, या फिर वैंकूवर चले जाते हैं क्योंकि यही दो सिटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। और इधर आके उनको फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि उनकी 12वीं या फिर उनकी जो 12th जो उन्होंने करी हुई है उसके बिहाफ पे और यहाँ की पढ़ाई और एक्सपीरियंस को मिला के भी उनके पीआर के लिए उतने पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। फिर उनको बड़े अलग अलग उल्टे सीधे रूट्स में जाना पड़ता है जहाँ पे कि उनको इलीगल रूट्स अपनाने पड़ते हैं, या फिर इलीगल तो नहीं कह सकते बट अनऑथराइज्ड रूट्स अपनाने पड़ते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयर्स को पैसे देना और वो बड़ी सारी गलत चीज़ें करनी पड़ती हैं उनको, राइट? क्योंकि उनको सीधे रास्ते से उनकी पीआर बनने के चांसेस बहुत कम हो रहे होते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो गाइज, इस गलती को आप ना दोहराएं और आप अपने एजेंट को या फिर आपके जो कंसल्टेंट हैं उनको, उनके साथ अपनी आगे की पीआर का रूट ज़रूर डिस्कस करें। आपके पास काफ़ी सारे प्रोविंसेस हैं जैसे प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है या फिर आपके सस्कैचुअन है, इनफैक्ट सस्कैचुअन के अंदर तो आपके पास ऐसा प्रोग्राम भी है जो कि आपके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किए गए काम को भी रिकग्नाइज करता है, उसको वैल्यू देता है और उसके बिहाफ पे आपको पीआर यानी सस्कैचुअन की प्रोविंशियल नॉमिनेशन भी दे देता है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं, आपके पास अटलांटिक प्रोग्राम भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट AIPP की जो डेट है वो एंड होने वाली है फिलहाल, उसके ऊपर कोई एक्सटेंशन और नहीं आ रहा है तो उसको बड़े ध्यान से लें। अदरवाइज़ आपके पास अटलांटिक प्रोविंसेस का भी चॉइस रहता है, काफ़ी अच्छे प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा गाइज, ऑनटेरियो में भी एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम का एक रूट होता है जिसके अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एक सेपरेट OINP की स्ट्रीम चलती है। ऐसी कई सारी स्ट्रीम्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये वही स्टेज है जब आप कनाडा आने से पहले सोच रहे हैं, राइट? एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी पहले सोच रहे हैं। अगर आपने इसको सोचने में देर कर दी तो बाद में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज यूजफुल, एंड आगे अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑल द बेस्ट।